செல்வி ரூட் கிளியர் அடுத்து நமக்கு தான் எப்ப फिल्म आनंदम विलायदुम विदु को Zee5 से स्ट्रीम कर दिया गया है। आनंदम विलायदुम विदु का हिंदी मतलब होता है घर खुशी से भरा हुआ। 2 घंटा 27 मिनट की ये एक 2021 में आई भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे नंदा पेरियासामी द्वारा लिखा गया है और डायरेक्ट किया गया है। फिल्म को श्री वारी ने प्रोड्यूस किया है और फिल्म में सर्वनन, विघ्नेश, डैनियल बालाजी, राजेंद्रन और सुंदर राजा, गौतम कार्तिक, चिरन और शिवात्मिका राजशेखर है। ये फिल्म 24 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब इसे OTT पर रिलीज कर दिया गया है। करेंगे फिल्म के सभी पहलुओं पर बात। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे सभी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। क्या है स्टोरी? फिल्म में सौतेले भाइयों कासियापन, सर्वनन और मुथु पांडे यानी चिरन का एक बड़ा परिवार होता है। प्रत्येक के 3 अन्य भाई हैं जिनके अपने परिवार हैं। कुल मिलाकर इस विस्तारित परिवार को बनाने वाले कुल 30 सदस्यों वाले 12 परिवार हैं और ऐसा लगता है कि हर कोई एक दूसरे के साथ मिल रहा है, कम से कम शुरुआत में। ये तब होता है जब मुथु पांडे अपनी जमीन कासियापन को देता है तो मुसीबत शुरू हो जाती है। करुपन के रूप में जो एक स्थानीय बड़ा शॉट है जो अपने पूर्व कर्मचारी मुथु पांडे के व्यापार में क्रोध से ईर्ष्या करता है और इसीलिए वो मुथु पांडे के पथभ्रष्ट भाइयों को एक पत्थर फेंकने की साजिश रचता है। क्या वह सफल हो पाता है? फिल्म आनंदम विलायदुम विदु हमें ऐसे परिवार के साथ एक कल्पना के रूप में देखने के लिए मजबूर करता है जिसके सदस्य आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं और निर्देशक नंदा पेरियासामी विभिन्न पात्रों और उनके समीकरणों को एक दूसरे के साथ स्थापित करने में सफल होते हैं। भले ही क्लाइमेक्स एक TV धारावाहिक के त्यौहार के विशेष एपिसोड जैसा दिखता है, सर्वनन और चेरन हमें अपने बंधन में बांधने में सफल हुए हैं और जब निर्देशक स्ट्रगल को खड़ा करता है तो ये दिलचस्प लगता है, कम से कम थोड़ी देर के लिए। फिल्म में देखने को मिलता है कि कैसे सतह पर मुस्कान के नीचे द्वेष और शंकाएं होती है, लेकिन फिर स्क्रिप्ट द्वारा प्रस्तुत नाटकीय क्षमता पर निर्माण करने के बजाय निर्देशक छोटे सीन और अत्यधिक मेलोड्रामा के लिए जाने का फैसला करता है। दो विद्रोही भाइयों और पत्नियों की हरकतें इतनी घटिया लगती है कि आप सोचने लगते हैं कि कासियापन और मुथु पांडे उनके साथ एक ही छत के नीचे क्यों रहना चाहेंगी। वो कासियापन और उसके परिवार के प्रति दुश्मनी दिखाना जारी रखते हैं, भले ही उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया हो कि ये करुपन है जिसने उन्हें धोखा दिया है। और अंत में जब निर्देशक चीज़ों को सुलझाने का फैसला करता है और सब कुछ गुलाबी फिर से समाप्त करने का फैसला करता है तो ये काल्पनिक नहीं लगता बल्कि झूठा भी लगता है। शक्ति और विजय को शामिल करने वाला रोमांटिक ट्रैक केवल मुख्य स्टोरी से ध्यान भटकाने का काम करता है। फिल्म उस घर्षण को स्वीकार नहीं करती है जो एक बड़ा परिवार बनाता है और एक प्यार करने वाला परिवार इसे कैसे दूर करता है। इसके बजाय हमें कुट्टू कुंडुबम सेटअप का महिमा मंडन करने के लिए केवल सोथुथु पाठा सेतु वे काधा सोंधा बंताथा सेतु वे जैसी घिसी पीटी पंक्तियाँ मिलती हैं। यकीनन फिल्म बनाने में मेहनत और पैसा लगता है, लेकिन अगर आपके पास वक्त कुछ ज़्यादा है तो एक बार ये फिल्म देखी जा सकती है। बोरा भाल भरानी ने फिल्म में कैमरा वर्क किया है और फिल्म की एडिटिंग की है NB श्रीकांतो ने और म्यूजिक दिया है सिद्धू कुमार ने। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।